भूषण ज्वेलर्स। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत फिर एक बार सुर्खियों में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 के पार्षद विनय धीमान मंगलवार से भूख हड़ताल पर एडीएम प्रांगण के बाहर वार्ड के गांव के लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। विनय धीमान ने बताया कि नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला की कार्य प्रणाली के विरोध में अनशन पर बैठा हूँ। जब तक हमारे बोर्ड की समस्याओं का हल नहीं होता तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज आप भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं एसडीएम प्रांगण के सामने, क्या कहना चाहेंगे और क्यों ये जो कदम आपने उठाया है? मेरे वार्ड में पिछले एक साल से कोई भी कार्य नहीं हो रहा था। नगर पंचायत बैजनाथ पपरोला के द्वारा कोई भी कार्य ना हुआ, इसके विरोध में आज मैंने आज के 17 दिन पहले माननीय एसडीएम महोदय को मैंने ज्ञापन सौंपा था। उसमें मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम जो है वो नगर पंचायत को दिया था कि आप 15 दिन के अंदर इसका हल निकाल सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आज 17 दिन हो गए हैं। तो 17 दिन के बाद आज मुझे यहाँ धरने पर बैठना पड़ा। इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, नगर पंचायत में धर दिया गया है। पहले पंचायत थी लेकिन फिर इस वार्ड को ग्रामीण क्षेत्र है, नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। तो हमारे जो वार्ड है इस वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई रास्तों के कार्य है, कोई कुल्ले हैं, तो कोई जितने भी मनरेगा के संबंधित मेरी बहनें हैं उनका उनको काम नहीं मिल रहा है और उनको लगभग पिछले एक साल से कोई काम नहीं मिल रहा है। छोटा छोटा काम एक दो जो पाँच दिन का मिल रहा है। इससे पहले 2 साल पहले अच्छा काम हुआ, वार्ड में बढ़िया काम चल रहे थे, लेकिन इस वजह से मुझे आज धरने पर बैठना पड़ रहा है। मेरी बहनें कई एक साल से जिन्होंने मनरेगा के तहत काम किया था उनको भी पैसे वगैरह नहीं मिले, आज दिन तक भी नहीं मिले हैं कई बहनों को। तो इस वजह से मैं इनकी समस्या के लेकर मैं आज धरने पे बैठ रहा हूँ। क्या लगता है कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा। नगर पंचायत की अध्यक्षा के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया है? जी, नगर पंचायत अध्यक्षा का कहना ये है कि ठीक है काम होना चाहिए, इसके वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं। मुझे नहीं पता इसकी इससे संबंधित आप नगर पंचायत अध्यक्ष से बात कर सकते हैं। बैजनाथ से विजय की रिपोर्ट।